जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वे बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वे बड़े काम आते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल साईं जीवनवाला पे। तो हर दिन की भांति आज हम आपको हूबहू शिरडी धाम करगी रोड कुट्टा से साईं बाबा के चमत्कार बताने जा रहे हैं और आपको दिखाने जा रहे हैं हूबहू शिरडी धाम में स्थापित श्री साईं बाबा की भव्य समाधि मंदिर का जो निर्माण कार्य चल रहा है वो कहाँ तक पहुँचा है। तो चमत्कार जानने के लिए बने रहें अंत तक और कमेंट में ओम साईं राम बोलें और साथ ही साथ अपना नाम जरूर कमेंट करें ताकि हम भी बाबा के चमत्कारों में आपको शामिल कर सकें और आपके जीवन में आ रहे कष्टों को साईं बाबा की समाधि मंदिर में प्रार्थना करके हम बाबा से अरदास लगा सकें। तो आप सभी देख सकते हैं बन रहा है बाबा की समाधि मंदिर, कुछ ऐसा ही नज़ारा है शिरडी का जहाँ पर साईं इसी तरह मुख दर्शन देते हैं और भक्तों के सारे कष्टों को संकट को दूर करते हैं। तो एक बार जयकारा मेरे शिरडी के साईंनाथ का बोलिए सांचे दरबार की जय, शिरडी वाले साईंनाथ महाराज की जय। जो साईं के रंगों में रंग जाता है उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। जयकारा मेरे साईंनाथ महाराज का बोलिए सांचे दरबार की जय। तो यहाँ पर स्थापित है साईं बाबा का भव्य समाधि मंदिर और चल रहा है निर्माण का। और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आखिर बाबा यहाँ पर कैसे दिखाते हैं चमत्कार और कैसे करते हैं भक्तों के कष्टों को दूर। सर्वप्रथम सभी कमेंट में ओम साईं राम बोलेंगे और अपना अपना नाम लिखेंगे और बोलेंगे कि बाबा हमें भी अपने चमत्कारों में शामिल कर लो और हमारे भी कष्टों को साईं आप दूर कर दो। आपके दर पर आया हुआ कोई भक्त कभी खाली नहीं जाता, तो क्यों ना बाबा हमारी भी आप अरदास सुनो। सबसे पहले बाबा के समक्ष जयकारा मेरे साईंनाथ महाराज का, श्रद्धा सबूरी साईं का नाम। जी हाँ, श्रद्धा सबूरी साईं का नाम और बाबा ने हमें भी दिया यह पैगाम। 2013 से बाबा का यह मंदिर स्थापित है और यह समाधि मंदिर स्थापित है तो यहाँ पर का जो निर्माण कार्य ऐसा है कि बाबा के एक भक्त ने प्रतिमा का दान दिया। उससे पहले यहाँ पर समाधि मंदिर थी और छानी खप्पड़ का सेट हुआ करता था। तो समाधि मंदिर जो थी ये पहले से ही बनी हुई थी ऐसी ही, और बस बाबा के भक्त को बाबा ने प्रेरित किया और उन्होंने बाबा के दरबार पे यह समाधि मंदिर के लिए बोला कि प्रतिमा का मैं इसे दान करना है और दान पेश के स्वरूप प्रतिमा दी। तो तब से बाबा का यह मंदिर निर्माणाधीन है। एक भक्त ने इसका चबूतरा बनवाया और तब से अभी तक निर्माण सामग्री के अभाव में काम रुका हुआ था। अब बाबा का आदेश हुआ है और आप देख सकते हो साईं का चमत्कार कि कैसे बाबा बनवा रहे हैं धीरे धीरे मंदिर को। मंदिर का डिजाइन बन चुका है, अब छत का काम होना है। और अगर आप सभी भक्तों से हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में प्रसारित करें ताकि शिरडी वाले साईं बाबा का यह भव्य समाधि मंदिर जल्द से जल्द बन के तैयार हो जाए और जो भक्त इसमें सहयोग करें हैं उन सब पे अपनी अपार कृपा साईं करें। साथ ही हम आपको दर्शन करा रहे हैं नीम वृक्ष गुरु स्थान के, साथ ही आपको हम दर्शन करा रहे हैं साईं बाबा की द्वारिका माई की, जहां बाबा ने पूरा जीवन अपना गुजारा था और यहीं पर जल रही है बाबा की अखंड ध्वनि व अखंड ज्योत। साथ में आप देख सकते हैं श्री साईं बाबा की भव्य चावड़ी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। साईं बाबा यहाँ एक दिन के अंतराल में विश्राम करने आया करते थे और अभी निर्माण कार्य चल रहा है। अगर आप भी कष्टों से हैं परेशान तो इस निर्माण में सहयोग कर सकते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईंनाथ महाराज की जय। जयकारा मेरे साईंनाथ महाराज का बोलिए सांचे दरबार की जय। तो हम प्रवेश कर चुके हैं साईं की द्वारिका माई में। जी हाँ, बाबा की द्वारिका माई में आप देख सकते हैं बाबा कितने प्यार से बैठे हुए हैं। तो चलिए सभी अपना अपना नाम लें और प्रवेश करें साईं की द्वारिका माई में। बाबा की यह वही चक्की है जिसमें बाबा ने गेहूं पीसकर हैजा की महामारी को शिरडी से भगाया था और यहाँ पर मौजूद है साईं बाबा गद्दी में विराजमान है। यहाँ पर जल रही है बाबा की अखंड ज्योत 1972 से। अगर आप भी हैं कष्टों से परेशान तो गुरुवार से
गुरुवार या महीने का आप इस अखंड ज्योत ने अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए ज्योत प्रज्वलित करा सकते हैं। साथ में यहाँ मौजूद है बाबा के बर्तन, यहाँ आप देख सकते हैं बाबा की मशाला बिजने की। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं शिरडी के साईं बाबा की वह अखंड ज्योत जो 1972 से निरंतर जल रही है, और आप भी अपने कष्टों को दूर करने के लिए इस अखंड धुनी में एक माह की लकड़ी प्रेषित करें और अपने कष्टों को खत्म करें। ये चमत्कार है साईं का कि यहाँ जिसने भी इस अखंड धुनी व अखंड ज्योत में अपने नाम से लकड़ी दी और ज्योत के लिए तेल दी, बाबा ने उसी मुराद पूरी की और उसके कष्टों को दूर किया। बाबा के भक्त ने लगवाया है यहाँ पूरा टाइल्स, यहाँ उसकी मनोकामना बाबा ने की थी पूरी, और बाबा से दिया था वचन कि बाबा अगर मेरी यह मनोकामना आप कर देंगे पूरी तो मैं आपकी द्वारका माई में कराऊंगा टाइल्स रंग रोगन का कार्य। तो देख सकते हैं साईं का चमत्कार।